that I'm at an all time. Hey guys, welcome back to the vlog channel. तुम लोग सोच रहे हो गए ये एकदम से रैंडम व्लॉगिंग कहाँ से चालू हो गई, पता नहीं एकदम से लगा कि आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, तो आई थॉट कि अब से आई शुड बी रेगुलर इन व्लॉगिंग. मैं बहुत टाइम सोच रहा था एक ऑफिस का व्लॉग शूट करूंगा, वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, मतलब मेरे सीनियर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे आज मिलवाऊंगा तुम्हें. अभी मेरे को आधे घंटा 45 मिनट्स के अराउंड लगेंगे ऑफिस पहुँचने में, फिर दिखाता हूँ तुम्हें, वहाँ मिलवाता हूँ कैसा सीन रहता है. मतलब मेरे ऑफिस में मेरा थोड़ा चल सीन है क्योंकि HCL है, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए मेरे को, अगर मेरा मैनेजर देखेगा तो बोलेगा, बट ठीक है. थोड़ा सा पता नहीं मैं काला के दिख रहा हूँ, इतना हूँ नहीं मैं काला, मे बी लाइटिंग की वजह से. मैंने दो तीन बार रोकी है गाड़ी स्पेशली कि लाइट वगैरह का पंगा ना पड़े, मतलब थोड़ा सही सा एंगल आ जाए, बट आ नहीं रहा, बट ठीक है कोई बात नहीं. और उन सब मेरे दोस्तों के लिए व्लॉग जो कह रहे थे मैंने बहुत टाइम हो गया, मैं बोलता था रेगुलर व्लॉगिंग करूंगा, आज से स्टार्ट कर दी है. अब मैं रेगुलर होके दिखाऊंगा तुम लोगों को, और देखना तुमने जितना मेरा वैष्णो देवी वाले व्लॉग में मजाक बनाया है ना कि तू घंटा रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर सकता, ये है वो है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा. ठीक है चलो, मैं शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा व्लॉग, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई. मेरा कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, मैं बस व्लॉग बनाता जाऊंगा, बट आई विल ट्राई कि छोटे से छोटा रखूं व्लॉग को. चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, ऑफिस पहुंचता हूँ फटाफट, उसके बाद वहां जाके मिलवाता हूँ दोस्तों से. चलो ओके. ये देखो आई हैव रीच्ड ऑफिस, ये कैब वैब का एरिया है, अब मैं सामने पार्किंग में नीचे जाऊंगा, एंड अभी यहाँ गार्ड वार्ड चेक करते हैं कि हमारी डिक्की में कुछ बम वम तो नहीं पड़ा, बहुत सही सीन रहता है जनरली. तो पहली बार शूट कर रहा हूँ मैं, अभी गार्ड देखेगा कहेगा क्या कर रहा है, लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. तो ये सैप आईडी नोट कराते हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं HCL में, सैप आईडी बोलते हैं. बढ़िया है सीन, आज काफ़ी लोगों से मिलूंगा मैं, तो आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, लेट्स सी कैसे जाता है. चलो मैं चेकिंग कराता हूँ, उसके बाद करते हैं आगे बातचीत. चलो तुम देख लो कैसे होती है चेकिंग. अच्छा कर दिया, आज तो इन्होंने चेक भी नहीं करी. एक्चुअली मेरी गाड़ी में ना क्रिकेट की किट्स पड़ी रहती है, मैं खेलने जाता हूँ, जिनको नहीं पता सैटरडे संडे मेरा क्रिकेट होता है, तो वो कभी कभी पूछते हैं भैया क्रिकेट का ही सामान है ना इसमें, कुछ और तो नहीं लेके आए, एंड आई एम लाइक ना ना क्या लेके आना. और तो ये देखो ऐसा हमारा कुछ पार्किंग का है, और ये तक 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 के ब्रेकर्स बना रखे इन्होंने, ठीक है सेटअप अच्छा है HCL के हिसाब से. आई डोंट नो बाकी ऑफिसेज का कैसे दिखता है, मेरे को अपना तो सही लगता है, मतलब थोड़ा सही है. यहाँ से लेफ्ट वगैरह है, लेफ्ट में इधर अभी गाड़ी खड़ी करने की जगह देखता हूँ मैं, एंड उसके बाद लेट्स सी. अरे यार मिस कर दी जगह, राइट में थी, फक यार. एक तो ना व्लॉगिंग के चक्कर में ये तो पंगा रहता है, एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से गाड़ी चलाओ, मल्टीटास्कर बनना पड़ता है. यहाँ नहीं लगा रहा मैं, यहाँ गेट है, चलो हम यहाँ लगाते हैं B1174. क्या मैं एक बारी में गाड़ी लगा पाऊंगा? नहीं. ये वाला मीम ऐड कर दूंगा, आई विल ऐड दिस मीम. चलो थोड़ी लाइट कर लेते हैं. तो अभी मैं फटाफट अपने ODC जाता हूँ, मेरे को 10:30 पहुँचना है, 11:30 हो गए हैं, मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ, बट ठीक है फटाफट लैपटॉप चेक करा के ऊपर जाता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग. मैं कोशिश कर रहा था ब्लॉग करने की, तो ये अनुभव मैम है, ये मेरे से 10 साल बड़ी है. ये मेरी सीनियर है, तो ये हमें लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स देती है, ऐसे करो. शी इज़ लाइक हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल सीनियर. नहीं दिखा रहा, वो शर्मा रही है इसलिए मैं उनको नहीं दिखा रहा. पहले अंकित को तुमने शायद देखा, तेरे को देखा है व्लॉग में? तेरे साथ नहीं देखा लेकिन अलग से चैनल है मेरा, उस पर देखा होगा. अरे ऑफिस वाले ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं. BL बेयर विद दैट. इधर आओ ना प्रवेश भाई, थोड़ा ये हमारे प्रवेश भाई है, गौ आदमी है एकदम. ये कौन देता है एकदम शरीफ है, मतलब मैंने बहुत कम लोग देखे इतने शरीफ. एक तुषार मैं शरीफ नहीं हूँ,
मेरे को चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब वो दुनिया पे मेरे को शरीफ समझते हैं जो भी समझती है। मतलब प्रवेश भाई बहुत ही शरीफ है इंसान। मैं कोई बताऊंगा इनकी स्टोरी तुम्हें किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ शरीफ है, जब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। अरे मैंने मेरे को ये नहीं समझ आती, सब लोग मेरा मजाक क्यों बनाते जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा। बन सकते हैं, नहीं बन सकते मैम? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पहले ये तो बता दो, कॉन्फिडेंस चाहिए? आज ये चश्मा क्यों पहन के आया हुआ? क्योंकि मेरी आई साइट वीक हो गई है, मुझे मेरे को चश्मा लगा हुआ था बट मैं लगा नहीं रही। प्रोजेक्ट चेंज होने का काम बढ़ गया, खत्म हो गया। अंकित तू हंस के रहा, मैं हंस मुकूं थोड़ा। ठीक है, मैं और ज्यादा शूट नहीं कर रहा, ये मेरे को गोली गोली मार देगी। यूपी वाले है ना, तो इसलिए यूपी वाला है, फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गुंडे हैं तो। अच्छा हाँ, अगर किसी को ऋषिकेश में चिल करना हो, इनकी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा मैं, तो इनसे तुम बातचीत कर सकते हैं। काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं और इनका जो भाई है बहुत फेमस इंसान है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं दे रहा मैं लेकिन इनकी दे देता हूँ, इनके थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ा दो, शी विल बी हैप्पी। जो भी है, ठीक है, इनकी इच्छा। और लेकिन एक दिन बड़ा यूट्यूबर जरूर बनूंगा, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अभी एक दो और बंदे हैं जिनसे इंट्रोड्यूस कराना था बट वो आ जाए नहीं, धीरे धीरे करवा दूंगा। और ठीक है, फाइनली मेरा पहला व्लॉग है ऑफिस में। पता नहीं मैं इतना काले भी लग रहा हूँ, काले हो गया हूँ क्या मैं? आप मेकअप करके आए हो? सनस्क्रीन लगाइए सर। सनस्क्रीन से गोरे होते होंगे लड़कों को, क्या पता नहीं होता है सर। सनस्क्रीन इज नॉट गोरा, वो आपको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। उससे गोरे का क्या मतलब? गोरे का मतलब मैं ऑलरेडी गोरी हूं उससे ना, इसलिए। अब मैं भी काला लगाऊं इसका? देखो देखो, रेसिस्ट रेसिस्ट। तू नहीं बोला तो आपने कैसे बोल दिया मैं काला? इसका फोन खराब है, मैं ही काला लग रहा हूं। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा पर्सनल बातें करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। ये देखो, ये हमारे ऑफिस का गार्डन है, ये मेरा टावर है, मतलब ऐसे चार पांच टावर है बड़े बड़े। ये पूरा कैंपस है, बहुत सही लगता है। मतलब सर्दियों के टाइम तो और भी ज़्यादा मस्त, एकदम अच्छी धूप आती है एंड ऑल। यहाँ जाना अलाउड नहीं, मतलब हम इस फुटपाथ पर चल सकते हैं, इधर उधर नहीं चल सकते, गार्ड रोक देते हैं एकदम। सामने कैंटीन है, यहीं जा रहे हैं हम, दिखा दो तुम्हें कैंटीन तक। मतलब खाना वाना बहुत बढ़िया है यहाँ, ये मेन कैंपस है ना, खाने का रिव्यू तो बढ़िया है हमारा, है ना? सही है, सबवे भी है, एक दो चीज़ बस बोल सकते हैं वो तो हर जगह होती है। हाँ, वो वैसे बहुत बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बैठने बैठने में, सब चीज़ें हैं तो मस्त ऐसी। बाकी तो मैं जाके दिखाता हूँ अंदर कैंटीन पहुँच के। ये देखो भाई, ये हमारी कैंटीन है, ये अलग अलग पूरे काउंटर्स हैं यहाँ तक, और ये पूरा है, और ये यहाँ पे यूटेंसिल्स हम रख सकते हैं खाने के बाद। मतलब बहुत सही है, सब्वे भी है वहाँ पे, किसी को हेल्दी खाना है, मतलब पूरा हेल्दी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि अनहेल्दी खाना है। रोटी वगैरह मिल जाती है नॉर्मल जो इंडियन मेन कोर्स में होता है, और मतलब सही माहौल है, ज़्यादातर भीड़ ही रहती है यहाँ पे इतना, मतलब लगता है कि हम ऑफिस में आए हैं, तो सही है एकदम, मस्त है। बढ़िया है ना तेरे हिसाब से कैंटीन? बढ़िया है एकदम। और प्रवेश भाई, तुम कुछ बोलना चाहोगे? चल प्रवेश भाई, वो खाना खाने देते हैं, कोई नहीं, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी का काइंड ऑफ सिनेरियो ये है, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, 5:15 बज रहे हैं, तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स में घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मेरा प्लान है एक दोस्त से मिलने का, फिर शायद मेरा ग्रुप प्रांश भाई, भंड भाई, सैम, ये सब लोग ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं, तो इनसे मिलने का। लेट्स सी कैसे जाता है, क्या होता है। अभी घर जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, जिम सुबह हो आया, एक ही काम होता है मुझे शाम को, जिम जाना है, वो भी मैं आज सुबह हो आया, पता नहीं क्यों, बट ठीक है कोई बात नहीं, घर जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। धूप बहुत अच्छी लग रही है, सामने सनसेट होते हुए दिखता है ना यहाँ से, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अभी इस टाइम इसलिए निकल जाता हूँ क्योंकि फिर मेरे को जाम नहीं मिलता कोई भी, बिल्कुल भी, तो जाम नहीं मिलता तो मैं 40 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ घर। जाम होता है तो फिर 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि नोएडा बॉर्डर पे, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट लगता ही है जाम, कभी कभी क्या होता है लगता ही है जाम शाम के टाइम तो, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है, सब लोग घर निकलते हैं,
तो अगर हम ये आधा पौना घंटा पहले निकल जाए तो इट इज़ ऑल गुड, यू डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक, तो इसलिए मैं निकल ही जाता हूँ। बाकी फिर बढ़िया है, सब चल रहा है बढ़िया मस्त एकदम। आज अनुभव मैम से मैं मिला बहुत टाइम बाद, तुम लोगों ने देखा ही होगा, शी इज़ अ गुड पर्सन, मतलब मस्त। अब हम दोनों की ऐसी नेचुरली बातचीत हो गई थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो बहुत सीनियर है मेरे से, मतलब बहुत तो नहीं, ऐसा नहीं बुढ़ी है, बुढ़ी है, शी इज़ अ नाइस वुमन, सही गाइड करती है एट ऑलमोस्ट, तो सही है, बढ़िया है सब, ठीक है। बाकी दिखाता हूँ मैं तुम्हें घर पहुँच के जो भी आगे का अपडेट होता है। ओके भाई, मैं घर पहुंचा ऑफिस से, तो ये लोग ना बालाजी मंदिर जाते हैं जो हमारे घर के पास है, हटी उससे। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चल लेता हूँ, आज मैं फ्री हूँ, जो भी है फ्री हो गया यार, जो मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो मैंने कैमरा जैसे ही खोला, ये मेरे को कहते हैं भाग जाए यहाँ से, हम व्लॉग नहीं बनाएंगे, तुम्हारी कुछ आवाज सुनाई दे रही, कुछ बोलना चाहोगे प्रियांश भाई? नहीं भाई, नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे थे आप, बोलो ना। कुछ नहीं भाई, हम का कुछ कह रहे भाई, प्रियांश भाई कर दो, 13 को फ्री था बूटी और 14 को वो हो गया, मतलब 13 को फ्री था, 14 को फ्री हो गया, सब कह रहा था। हां तो मतलब समझ जा भाई, कहां गाड़ी खड़ी, 14 के लोगों के बनते हैं। ओए हमने गाड़ी कहां खड़ी करी थी, वो छोड़ दो, होगी होगी गाड़ी में, तो हो गई तो हो गई। चलो ठीक है, अब आगे अभी हम थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर आगे दिखाता हूँ क्या करेंगे। गाड़ी में ही ब्लॉग भी एंड कर दूंगा ना, एंडिंग अभी ले लूंगा।